गाइस आज मैं आया हूँ राजस्थान के अंदर भैरोड के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर मुझे पता चला कि एक 26 साल का युवक एक ऐसा लघु उद्योग स्टार्टअप कर रखा है। जो बंदा लाखों रुपए खुद तो कमा ही रहा है, मात्र 2000 रुपए से उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, 1500 से 2000 के बीच में, और आज उनका टर्न ओवर करोड़ों का है। उसी के साथ में आज वो लोगों को रोजगार दे रहे, पूरे भारत देश के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसी के साथ में रोजगार के साथ में वो लोग भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता। भारत में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है आज तक जिन्होंने इस तरीके का कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो और इस तरीके से बनाए हुए माल को वापिस से खरीद रही हो। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए हो सकता है। और यहाँ पर आप ही है ना मनीष सर? बिल्कुल। हेलो सर। हेलो सर। सर हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कब से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं। सर मेरे को 2 से 3 वर्ष हो गए इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए। 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। तो सर आप इस बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या करते थे? आप यही काम करते थे या कुछ और क्या करते थे? सर पहले मैं भी जॉब करता था एक टाइम पे, फिर मुझे इस चीज का समझ आ गया कि जॉब से जो है अपने ड्रीम पूरे होने वाले नहीं है। नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो मेरी तरह बहुत सारे लोग है बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे, तो हमने एक छोटा सा जो है हमने स्टार्टअप लिया है, स्मॉल बिजनेस ही अपन इसको बोल सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये है कि हम तो खुद कर ही रहे हैं, पूरे पैन लेवल इंडिया पे हम लोगों को मौका दे रहे हैं, तो अपने लेवल पे अपने घर पे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। सर अपना घर पे रह करके स्टार्टअप एक लघु उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं और बनाए हुए माल को आप खुद से खरीदते हैं। बिल्कुल सर। तो सर किस तरीके का एग्रीमेंट आप बना करके देते हैं, वो चीज हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, अपना जो रहता है लीगल कोर्ट एग्रीमेंट रहता है, इस तरह से हम एग्रीमेंट तैयार करके देते हैं। ये एग्रीमेंट होता है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है सर। ये देख पा रहे हैं ये पूरा कोर्ट एग्रीमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे टर्म्स एंड कंडीशन से सारी चीजें यहाँ पर है। और ये एग्रीमेंट किनका है? अभी ये हमारे क्लाइंट आए हुए सर। अच्छा आप आए सर? सर कहाँ से आया? सीकर से, नीम का थाना से। ओके, तो सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? सर मेरे को है ना बिजनेस बहुत अच्छा लगा, पहले मैं बिजनेस अदर बिजनेस भी करता हूँ साथ में, लेकिन मेरे को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर है ना कि आप जैसे कि मेरे को मशीन दे रहे हो साथ में, इसके साथ में आपने कहा कि इसमें मेटेरियल साथ में दे रहे, लेकिन माल बनाने के बाद में आप रिटर्न ले रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि माल कोई भी बना सकता है, लेकिन लेने वाला कोई होना चाहिए, बस सेल्स का करेगा, तो माल सेल होना जरूरी है, माल कोई बना सकता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अब आप बिजनेस को शुरू करने वाले? अभी हाँ बिल्कुल बिजनेस शुरू करेंगे और बढ़िया इसको टॉप पे लिखते हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस करते हैं, इसी के साथ में इनको ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो इस वजह से अच्छा लगा कि कंपनी मशीन माल वगैरह सब कुछ दे रही है, इसी के साथ में सिंपली आपको इसे बना करके कंपनी को रिटर्न करना है, क्योंकि एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, लेकिन उस चीज को बेचना एक बहुत कठिन काम होता है। हर किसी बंदे के अंदर ये काबिलियत नहीं होती है कि वो मार्केटिंग कर सके, किसी प्रोडक्ट को सेल कर सके, तो वही चीज है। इसी वजह से लोगों को ये बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले आपने कितने रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत की थी? मात्र सर 2000 रुपए से। हम मात्र 2000 रुपए से? सर ऐसा कैसे 2000 रुपए से शुरू कर लिया आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल छोटा इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई बड़ा नहीं है सर, और आज आपका करोड़ों का टर्नओवर है। बहुत सारे लोग जुड़ करके आपके साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि गाइस यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मटेरियल पूरा यहाँ पर फैला हुआ है ऊपर तक। सर थोड़ा सा कैमरे को जूम करना, यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर पूरा मटेरियल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ में इधर भी मैं आप लोगों को और भी मटेरियल इनका दिखा देता हूँ। पूरा गोडाउन है, इनके एक ही गोडाउन नहीं है, 4-5 गोडाउन है, सभी जगह पर जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ही गोडाउन के अंदर अपन लोगों को एक्सप्लेन कर पाए इस चीज के बारे में। जैसा कि यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं पूरा मटेरियल यहाँ पर भरा हुआ है, और यहाँ पर सर मटेरियल कितना भी ले सकता है, कोई दिक्कत कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं, ठीक है, भी ले सकते सर, कितना भी ले सकता है, कितना भी बना करके दे सकता है, या फिर कोई उसमें बाउंडिंग है कि भाई नहीं सर, मुझे तो बस तुम महीने में 500 kg बना के दो या 1000 kg बना करके दो, ऐसा कुछ थोड़ी अनलिमिटेड है? इस तरह से कुछ नहीं होता, लेकिन सर आजकल को जो मार्केट का सिनेरियो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग मशीन देते हैं, उसमें क्या होता है 1 से 2 बार लेंगे, बिल्कुल एक साल भी नहीं आपका चलता है। हमारा जो लीगली करते हैं मिनिमम आपका 15 साल तक का अपना, 15 साल तक हम इसको करते हैं। 15 साल तक का एग्रीमेंट सोचने की बात है, आज तक किसी भी कंपनी ने किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपने ऐसा वीडियो देखा नहीं होगा या देखने को भी नहीं मिला होगा कि 15 साल तक कोई कंपनी बनाए हुए माल को आपसे वापस लेती है।
और इस तरीके से वो सारी चीजें करती है। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कच्चा माल इस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड होता है, जो कि इसके लिए जो कंप्लीट साधन होते हैं इस प्रोडक्ट को तैयार करने के, वो सब कुछ आपको मिलते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ किस तरीके से इस चीज को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, तो वो प्रोसेस भी सर एक बार हमें करवा दीजिए कि किस तरीके से हम इस झाड़ू को बना सकते हैं, वो चीज हमें एक बार दिखाए। सर देखो, इसमें कोई भी टेक्निकल स्किल की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन इसको बहुत अच्छे से, जैसे हमारे आपको जो है पर्सन है आपको दिखा देंगे, ठीक है, अपने व्यूअर्स को। अच्छा, ये कितना क्वांटिटी लेना है? 200-250? अच्छा, 200 से 250 ग्राम करीब। अच्छा, अभी ये 200 ग्राम क्वांटिटी है। जैसा कि आपको भी, अगर आप भी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको भी इस तरीके से वेट करना होगा, क्योंकि वेट करने के बाद ही आपको इसके अंदर डालना होता है। सिंपली ये पाइप होता है जो कि कंपनी की तरफ से आप लोगों को दिया जाता है, और ये पाइप, ये जो मशीन है, इस मशीन के द्वारा इस चीज को टाइट किया जाता है, क्योंकि ये मशीन इस चीज को टाइट करने के काम आती है कि बाद में क्या होता है कि झाड़ू आपने देखा होगा लूज हो जाती है, इसके जो बाहर से जो भी फूल है वो निकलता रहता है, वो झाड़ू बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन ये झाड़ू बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि ये जो मटेरियल है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मशीन से टाइट किया जा रहा है, ये अंदर तक चला जाएगा जिससे कि बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, कंप्लीटली टाइट हो जाएगा। और बहुत ही इजी प्रोसेस है, मात्र 1-2 मिनट के अंदर आप एक झाड़ू तैयार कर सकते हैं। अगर आपका हाथ एक बार साफ हो जाता है, उसके बाद में आप मात्र 1 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक झाड़ू तैयार कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप काफी ज्यादा मात्रा के अंदर इस मटेरियल को तैयार कर पाएंगे, और आप एक ही मशीन से, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एक ही मशीन से आप लोग कम से कम महीने के अंदर 70,000 रुपए से लेकर के 1,00,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने 4-5 मशीनों का स्टार्टअप कर लिया, एक छोटा सा लघु उद्योग स्टार्टअप कर दिया 4-5 मशीन लेकर के, तो आप कितनी कमाई कर सकते हैं वो आपको पता है। देखिए किस तरीके से बहुत ही आसानी से ये झाड़ू बन करके तैयार हो गई है। और इसी तरीके से सर और भी झाड़ू है जो दिखाना, आपकी कितनी अच्छी क्वालिटी, कितनी अच्छी फिनिशिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मार्केट में जाने के लिए रेडी है। इस तरीके से ये पैकेट होता है, इसके अंदर ये पैक होता है, और पॉलिथीन के अंदर पैक करके आप मार्केट में सेल, आपको सेल नहीं करना, कंपनी को वापस दे सकते हैं, और कंपनी आपसे वापस लेगी। इस तरीके से ये पॉलिथीन वगैरह जो भी होता है, कंप्लीट चीजें आप लोगों को मिलेगी, हर एक चीज आप लोगों को दी जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वालिटी आप लोगों को दिख रही है, कितनी बेस्ट क्वालिटी के साथ में ये झाड़ू बन करके तैयार हो रही है। इसी तरीके से आपको घर बैठ करके ये चीजें करनी है, कंपनी आपसे माल वापस ले रही है, घर बैठ करके बना करके आप लोग 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं। सर जैसा कि मेरा है ना, 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे वीडियो के अंदर, तो मैं वो चीज की जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताएं। जैसे कि सर देखो क्या होता है कि आप बुरा मत मानिएगा, जो बात है वही बात कर रहा हूँ आपसे, कि आप जिस तरीके से बता रहे हो कि लोगों को बाई बैक दे रहे हो, उनसे बनाया माल वापिस लोगे, सिंपल है। लेकिन सर ये काम आप अपने ही एरिया के अंदर लोगों को जॉब देकर भी तो करवा सकते हो, जरूरी थोड़ी होता है कि आप और लोगों से माल बनवा करके वापस लो। तो ये तो अपने लोकल लोगों को भी जॉब दे सकते हो, जॉब प्रोवाइड करा सकते हो, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखो उसमें दो थिंग्स है हमारी जी। पहली चीज तो है, हम किसी को जॉब दे रहे हैं ना, तो किसी को नौकरी पे रख रहे हैं। बिल्कुल, अपन क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको लघु उद्योग दे रहे, अपने घर पे कर सकते हैं अपने प्लेस से। सेकंड थिंग इसमें है, जब अपना प्रोडक्ट जाएगा तो पैन लेवल इंडिया पे जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा पूरे इंडिया में अपन का जो है उसका प्रोडक्ट रहेगा, और उसके नीड हर घर में है, हर घर में है। आप छोटे से लेके बड़े स्तर तक कहीं चले जाओ, सर हर जगह पे नीड रहती रहती है, ये इसका मेन मोटिव था। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आज जॉब इसलिए प्रोवाइड नहीं करा रहे कि आप पार्टनर्स बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने बिजनेस को एक पैन इंडिया लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और अगर आपके जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके जो भी पार्टनर्स आपसे जुड़ रहे हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो पूरे पैन इंडिया लेवल के होंगे, पूरे हर एक स्टेट का बंदा होगा, तो आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड पूरे इंडिया के अंदर एक साथ फैलेगा। अगर आप जो दे करके अगर ये काम करवाएंगे, तो सिर्फ आप अपने लोकल में सप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक सीमित एरिया रह जाता है। दूसरी चीज ये है, मैं किसी को एम्प्लॉय नहीं बनाना चाह रहा, मेरा एम्प्लॉय नहीं है, बट ये एक अपना ओनर है जो बिजनेस कर रहा है, अपना लघु उद्योग कर रहा है, वो अपना एक ओनर है। बिल्कुल, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है, अपने तरीके से काम करेगा, अपने प्लेस पे करेगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना सर। हाँ, एक सिरदर्दी नहीं होती जॉब में, क्या होता है कि आपको पूरा प्रेशर देना पड़ता है उनको कि ये काम मुझे चाहिए, सामने वाला बंदा नहीं करता है तो फिर दिक्कतें होती है। और इसमें ये होता है कि भाई सामने वाले बंदे को कितना नीड है पैसे का, उतना वो काम कर सकता है, चाहे तो 24 घंटे करे, चाहे वो 10 घंटे करे, चाहे वो 8 घंटे करे, वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर करता है। तो वही चीज है गाइज, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि देखो ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है, एक बिजनेस है, और इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है
क्योंकि नौकरी में तो आपको पता है कि एक लिमिटेड पैसा मिलेगा। आप मान लीजिए आपकी सैलरी 8,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, ये लिमिटेड हो गया। लेकिन ये बिजनेस की, हाँ बिजनेस के अंदर क्या होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये चीज है। सो गाइज, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी और भी जानकारी चाहिए तो कंपनी का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंपनी में विजिट कर सकते हैं, लाइव डेमो देख सकते हैं। अनलिमिटेड मात्रा में आप लोगों को माल मिलेगा, अनलिमिटेड आप माल बना करके कंपनी को वापिस दे सकते हैं, वो भी 15 साल तक। सोचने की बात है, 15 साल तक का एग्रीमेंट कोई भी कंपनी नहीं करती है, जो कि आज ये कंपनी आप लोगों को एग्रीमेंट करके दे रही है, कोर्ट एग्रीमेंट करके दे रही है। और सर ये भी बोलते हैं कि आपको जिस भी एग्रीमेंट के ऊपर भरोसा है उस एग्रीमेंट पे आप हमसे साइन करवा सकते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि आज तक इंडिया में ब्रूम्स का बिजनेस तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन किसी भी कंपनी ने आपको ये नहीं कहा कि बनाए हुए माल को आप कंपनी को वापस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप मार्केट में खुद से सेल कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो चीज भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो कंपनी को आप रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग मटेरियल सब कुछ आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड करा रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर इससे बेटर बिजनेस आइडिया इतने कम रेट के अंदर आप लोगों को नहीं मिल सकता। बहुत ही कम बजट के अंदर आप इस बिजनेस को शुरू कर पा रहे हैं, जो कि इंडिया में आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप एक किराना की शॉप भी खोलते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है कि लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लोअर क्लास के व्यक्ति हैं तो भी आप इसे शुरू कर सकते हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं तो भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों जल्दी से जल्दी आप कंपनी से कॉन्टेक्ट कीजिए और इस बिजनेस को शुरू कीजिए। मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर बिजनेस है, आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए और अच्छे पैसे कमाएं और अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जय हिंद, जय भारत।